पता नहीं आज मेरे अंदर इंटरनल प्रेशर बिल्डअप क्यों हुआ था। मुझे ये भी समझ में आया है कि जो खट्टा मिट्टा मूवी है अक्षय कुमार की, ये है हमारा लोकेशन, वो खाने का टेंट, इधर वैनिटी। असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे सर जी पास आए और बोले कि आपका रॉकेट बॉयज वेब सीरीज का आज का शूट का पांचवा दिन है और आज हमारा लास्ट शेड्यूल है शूट का भल्टन में। तो वेलकम बैक गाइज, कैसे हो आप लोग, सब ठीक ही होंगे। ये है हमारा लोकेशन, वो खाने का टेंट, इधर वैनिटी लीड एक्ट्रेस वालों की, और ये है लीड एक्टर की, वो एक्ट्रेस की, ये एक्टर की, और आगे जो दिख रहा है ना वो हमारा कॉस्ट्यूम बेस है। और ये है अपना आज का कॉस्ट्यूम, पायजामा विथ कुर्ता। आज कम हो गया ना सब, आज लास्ट डे, आज एकदम अच्छा सा कम दिन लगा फिर। नहीं अभी अच्छा सा आज करने के नहीं, तो परफेक्ट है जरूर। थैंक यू। इस तरह से अपना हेयर सेट हुआ है और आज उन्होंने थोड़ा कल से अच्छा किया, तीन दिन से वही मेकअप दादा मेरा हेयर सेट कर रहे हैं, तो आज इसलिए उन्होंने थोड़ा मन लगा कि क्या, क्योंकि आज कम आर्टिस्ट है, आज सिर्फ और सिर्फ गिने चुने 10 जूनियर आर्टिस्ट को ही उन्होंने सेलेक्ट किया है। टेक्निकल टीम अपने काम में व्यस्त है, इस सेट पर जो सामान है वो दूसरे सेट पर शिफ्ट करने में लगी हुई है, क्योंकि आज का हमारा लास्ट डे शूट है पल्टन में इस सेट पर। पता नहीं आज मेरे अंदर इंटरनल प्रेशर बिल्डअप क्यों हुआ था और नर्वस भी मैं फील कर रहा था जब सुबह सेट पर आया। नर्वसनेस जाता नहीं जा रहा था, लेकिन जब असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे सर जी पास आए और बोले कि आपका लुक एकदम डिक्टो हमारे वेब सीरीज के शूट के लिए चाहिए वैसा दिख रहा है, थोड़ी तारीफ की, तो मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए नर्वस फील हो रहा था क्योंकि मेरा ना जो सीन होने वाला था ना वो थोड़ा मेन था, जो इस वेब सीरीज के लीड रोल में लोग हैं उनके फैमिली मेंबर में बना था। अंदर हमारे लास्ट सीन का शूट हो रहा है, हमारा जो शूट था वो कंप्लीट हुआ है, और इधर ये जो स्पॉट बॉय दिख रहे हैं सबसे हार्ड वर्क करते हैं ये लोग, और मैडम जी उधर बोल रहे हैं कि निकालो निकालो सवारी निकालो क्योंकि निकलना है। अभी अभी हमारा खाना हुआ, लंच ब्रेक हुआ है, सिर्फ 15 लोगों को सेलेक्ट किया था, 15 में से मेरा सीन हुआ है और मेरे साथ और 2 लड़कियों को सीन में लिया था, लेकिन बाकी के जो 12-13 बंदे थे वो ऐसे ही बैठे थे। और मैं, ये है कुणाल, मैं आपको कुणाल से मिलवाना चाहता हूँ। कुणाल, मतलब कैसा लगा आज का दिन तेरा, कैसा रहा आज का दिन? मेरा बहुत अच्छा गया। हाँ, मुझे रोल भी मिला। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से रोल मिला। हाँ, और बहुत मजा आया। मजा आया, बस इतना ही कहना चाहते हैं, और कुछ? और कुछ नहीं। खाना कैसा लगा? चलो, हाँ, खाना तो बहुत अच्छा था, बस थोड़ा सा नमक कम था, बस बाकी सब कुछ अच्छा था। बेटा ऐसे कमियां नहीं गिनाते, क्या बोला, ऐसे कमियां नहीं गिनाते, जो है जो मिला वो खाने का। हाँ, समझे। मेरा अच्छा दोस्त बन गया आज, डेली अपन सेट पर जब आता हूँ तो एक एक नया नया दोस्त बनाता हूँ, और एक कुणाल मेरा आज का दोस्त है, तो देखते आगे क्या होता है। अभी मैं आप लोगों को फल्टन में हमारा 3 दिन का शूट जिस रूम में हुआ वो रूम दिखाता हूँ। मुझे ये भी समझ में आया है कि जो खट्टा मिट्टा मूवी है अक्षय कुमार की, उनका भी शूट इस बंगलो में हुआ है। ये पुरातन बंगलो है, ये देखिए,
ये है वो बंगलो जिसमें हमारा शूट हुआ, और खट्टा मिट्टा मूवी का अक्षय कुमार का भी शूट हुआ है। वो जो अक्षय कुमार की बहन डेथ होती है ना, उसकी इसी बंगलो में होती है। और दूसरा रूम दिखाता हूँ जिधर हमारा पार्टी का सीन हुआ, दारू शारू मतलब सीन में बता रहा हूँ ये है। और वो दादा पैकअप हुआ है ना, दूसरी जगह हमारा शेड्यूल शूट होने वाला है। तो ये है वो लोकेशन जिधर हमारा 3 दिन का शूट हुआ। मिस यू नहीं, मिस यू नहीं, आई एम मिसिंग दिस प्लेस। मैं थोड़ा अभी इमोशनल हुआ क्योंकि हमारा वेब सीरीज का शूट कंप्लीट हुआ है और बैकअप भी हुआ है, तो हम निकल चुके हैं। मैं वो जो पीछे सोफा सेट दिख रहा है ना, उस सोफा सेट पर आज का मेरा शूट हुआ। मैं उधर बैठा था लीड एक्ट्रेस की जो साथ में रहती है ना लड़की, उसके साथ। और यही है हमारा वो इतना छोटा सा लोकेशन। ये जो आगे का जगह दिख रहा है ना, सिर्फ इतनी जगह में हमारा 2 दिन शूट हुआ है, इतनी सी जगह में। और उस सोफा सेट को आपको दिखाता हूँ जिस सोफा सेट पे मेरा शूट हुआ, ये सोफा सेट जिस पे मेरा शूट हुआ। तो गाइज फुल धमाल किया आज, पहला मेरा आज का शूट है जो इतने जल्दी पैकअप हुआ। लास्ट मतलब छोटा सा सीन बाकी था जो शूट करना था, वो कंप्लीट हुआ है। और जैसे ही कंप्लीट हुआ हमारा पैकअप हुआ, कॉस्ट्यूम बदल देता हूँ क्योंकि निकलना है, पुणे जाना है। अब पुणे जाने के लिए कम से कम हमें 4 घंटा लगेगा, देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते ही ऐसे ही नए ब्लॉग में किसी दिनचर्या के साथ, नए लाइफ के साथ। तब तक आप लोग सब ठीक रहेगा, स्प्रेड इम्यूनिटी, शेयर ट्रेंड शो, पुणे 3 चीजें कम मत बोलना। बाय, टेक केयर।